हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट केक बच्चों का फेवरेट होता है और सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर ले। 200 ग्राम मैदा, कोको पाउडर 2 चम्मच, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दूध, कंडेंस्ड मिल्क या मिल्कमेड, वनीला एसेंस, बटर, आइसिंग शुगर लेंगे 100 ग्राम। सबसे पहले इन दोनों मैदा को छान लें। ये बेकिंग सोडा है और इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, तो ये हम डालेंगे 1/4 चम्मच। आप अगर पिंच से देते हैं तो 2 से 2.5 पिंच देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद डालेंगे बेकिंग पाउडर, थोड़े 2 ग्राम डालेंगे, और चोको पाउडर 2 चम्मच डालेंगे। 50 ग्राम करीब बटर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा बटर लेकर फैला देना है। या तो आप बटर फैलाएंगे या फिर आपके पास बटर पेपर है तो वो आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से केक बनने के बाद निकालने में बहुत ही आसान होता है। उसके बाद 1 चम्मच मैदा लेकर इसमें फैला देंगे। फैलाने के बाद इस तरह से झाड़ लेंगे, जिससे कि इसमें जहाँ भी बटर लगा हुआ है चारों तरफ ये फैल जाएगा और एक्स्ट्रा मैदा जो होगा वो निकल जाएगा। तो अब इनको छान लें। छानने के बाद अच्छे से मिला दें। मैदा को मिलाकर रख दिया है। अब हम फेंटना शुरू करेंगे। उससे पहले ओवन को प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले हम इसको 150 डिग्री पर सेट करेंगे। टाइम 10 मिनट के लिए डालेंगे प्री हीट होने के लिए, और रॉड हमें ऊपर और नीचे दोनों जलाना है। तो सेट करके इसे मैंने रख दिया है। जब तक ये हीट होता है केक का जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा और सीधा हम इसके अंदर डाल देंगे। ये बटर ले लिया है, 50-60 ग्राम के आसपास होगा। उसमें डालेंगे 100 ग्राम चीनी का पाउडर। 200 ग्राम मैदा है तो उस हिसाब से हमें, अगर हल्का केक हल्का मीठा ही अच्छा लगता है और हल्का मीठा अगर खाना हो तो 150 ग्राम चीनी डालना था। लेकिन कंडेंस्ड मिल्क में भी चीनी होता है, ये भी मीठा होता है, तो इसलिए हम 100 ग्राम चीनी का पाउडर डालेंगे। बटर और चीनी पाउडर को अच्छे से फेंट देंगे। तो फेंटने के लिए हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे केक बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी फेंटा जाता है। जैसे ही लगे कि ये स्मूथ हो गया है, बहुत ही चिकना हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क ये 250 ml है, लेकिन हमें इसका आधा लेना है। घर की बनी हुई कंडेंस्ड मिल्क है। आपको कंडेंस्ड मिल्क बनाना है या जब भी केक बनाए अपने घर में कंडेंस्ड मिल्क तैयार करें। और इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब पेज पर मिल जाएगा, तो आप कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी भी देखें। 1-2 मिनट इसको और फेंटना है। इसमें एग नहीं डाल रही हूँ, एगलेस केक बनाने जा रही हूँ। अब डालें थोड़ा सा दूध। दूध मैंने 1/2 कप लिया है, जो 125 ml होगा। थोड़ा सा दूध डालें तो इसको फेंटें, अच्छे से मिला दें। बस 30 सेकंड के लिए इसको फेंटना है। उसके बाद डालेंगे मैदा, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। साथ में थोड़ा दूध भी डालें। बचा हुआ मैदा भी डाल दें, थोड़ा सा दूध। अब डालें 1 चम्मच वेनिला एसेंस। थोड़ा दूध और डालें। इस बर्तन में जार इसमें डाल दें। ये देखिए किस तरह से अपने आप गिर रहा है। तो हमारा बैटर ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि आसानी से गिर जाए। तो ये इसकी थिकनेस कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, इससे केक बहुत ही हल्का स्मूथ काफी फूला हुआ बनता है, स्पंजी बनता है। कभी कभी केक जब बेक होता है तो बीच में फट जाता है कि बैटर थोड़ा गाढ़ा होता है।
और गाढ़ा होने की वजह से जब वो फूलता है तो वो फटता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेक करने के बाद ऊपर की जो परत होती है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसका कारण होता है कि ज़्यादा हीट पर जब बेक करते हैं तो ऊपर से हार्ड हो जाता है और अंदर केक सॉफ्ट रहता है। इसीलिए हमें कम टेम्परेचर पर इसको बेक करना है। 40 मिनट के लिए रखूंगी, बीच में एक बार चेक करूंगी। 30 मिनट करीब केक को बनते हुए हो चुका है, अब हम एक बार चेक करेंगे, साथ ही साथ ट्रे को थोड़ा सा दूसरे साइड घुमा देंगे ताकि चारों तरफ बराबर हीट पहुंचे और ये अच्छे से बेक हो। देखने से तो लग रहा है कि ये बन चुका है, तो एक बार फोक करके देख लेते हैं। इस बार चाकू बिल्कुल साफ निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पक चुका है। तो इसी तरह से आप चेक करें, और इसके जगह में आप किसी स्टिक से भी चेक कर सकते हैं। इसको निकाल कर ठंडा होने देंगे, ये बन चुका है, तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब हम इसको चाकू से इसको इस तरह से, अब पतला सा चाकू लेते हैं तो आसानी से इसमें इस तरह से हो जाएगा। ऐसा करके इसको निकाल लें, पलट लें। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे, इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट फैलाऊंगी इसके ऊपर। इस चॉकलेट को मैंने एक बर्तन में पानी लिया और उससे जो स्टीम आ रहा था उसके ऊपर, बर्तन के ऊपर मैंने रख दिया। बर्तन को गर्म पानी में डुबाना नहीं है, ध्यान रखें कि पानी का केवल भाप इस तक पहुंचे। चॉकलेट को टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल दें और वो पिघल जाता है। उसके बाद आपको 2 चम्मच क्रीम डालना है और 1 चम्मच आइसिंग शुगर, 1/2 चम्मच बटर, इन सबको मिक्स करके इस तरह से तैयार कर लें। इस तरह से सारा चॉकलेट इसके ऊपर फैला दें। 4-5 टुकड़े मैंने भिंडी का काट लिया है, इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद 1 चम्मच आइसिंग शुगर लेंगे, चीनी का पाउडर, इसके ऊपर छिड़क देंगे। इस तरह से छिड़कने के बाद भिंडी को उठा लें। चॉकलेट को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। चॉकलेट आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने पसंद के फ्लेवर का चॉकलेट मार्केट से ले आए और उसको इस तरह से प्रयोग करें। अब आप देख सकते हैं हमारा केक तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, जब ये सेट हो जाएगा तब हम इसको काट कर सर्व करेंगे। इसी तरह से मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।